गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्विच और लूप्स के बारे में C++ लैंग्वेज में। लास्ट वीडियो में हमने कमेंट्स, असाइनमेंट्स और इफ एल्स के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट्स। स्विच क्या होता है? तो इफ़ एल्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। तो इफ़ एल्स में क्या होता है, हमारे पास कंडीशन होती है और उस कंडीशन को ट्रू होने पर इफ़ में जो स्टेटमेंट्स हैं या स्टेटमेंट्स के ब्लॉक हैं वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में जाते हैं, ठीक है। तो फिर एल्स इफ़ भी हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही कम कंडीशन, एक या दो कंडीशन है, तीन कंडीशन है, तब तक हम एल्स इफ काम में ले सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास कंडीशंस का जो रिज़ल्ट है, कंडीशंस है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूट कराने या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूट कराने हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर हम इफ एल्स काम में नहीं लेके स्विच लेते हैं। जैसे किसी का रिज़ल्ट डिक्लेयर करना है तो उसमें हमें पता लगाना है कि कितने परसेंटेज मार्क्स आने पर कौन सी ग्रेड मिलेगी, या जैसे वीक के डे हैं उनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो कौन सा दिन है, तो नंबर से हम देखेंगे सोमवार है, मंगलवार है। तो अगर हम इफ एल्स से करेंगे ये काम तो बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट काम में लेते हैं। तो काम स्विच भी वही करेगा इफ एल्स वाला ही। क्या होता है, इफ एल्स में, स्विच में, दोनों में ही हमारे पास खूब सारे स्टेटमेंट्स होते हैं या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, उनमें से कोई एक हमें एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो C++ में स्विच स्टेटमेंट यूज टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। स्विच स्टेटमेंट का उपयोग कई कोड ब्लॉक में से एक को चुनने के लिए किया जाता है। इसका सिंटेक्स ऐसे रहता है कुछ, स्विच और फिर इसमें एक्सप्रेशन रहेगी यहाँ पर, तो एक्सप्रेशन का कुछ रिजल्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इफ एल्स में क्या आ रहा था, एक्सप्रेशन जो हो रही थी उसका रिजल्ट क्या आ रहा था, वो ट्रू या फॉल्स आ रहा था। स्विच के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है ट्रू या फॉल्स आए, इसमें कोई भी नंबर आ सकता है। फिर यहाँ पर केस रहेगा, केस एक्स। तो अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट है वो अगर एक्स आता है, तब जो केस एक्स के अंदर जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पर। और फिर ब्रेक, ये ब्रेक को भी आगे समझेंगे हम, ब्रेक क्या होता है। अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट वाई आ रहा है तब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हमारे पास जो रिजल्ट है एक्सप्रेशन का ऐसा आया है कि हमने केस जितने भी ले रखे हैं उनमें से किसी भी वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट, मतलब इससे ऊपर वाले से किसी से भी मैच नहीं किया तो ये डिफ़ॉल्ट वाला एग्जीक्यूट कर देंगे। अब देखिए कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या होता है, स्विच की जो एक्सप्रेशन है, उसको इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि उसका रिजल्ट क्या है। हमने कोई एक्सप्रेशन लिख दी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो रिजल्ट हम इवेल्युएट करेंगे। कंपाइलर करेगा, कंप्यूटर करेगा उसको। उसके बाद में जो उसका रिजल्ट आएगा उस एक्सप्रेशन का, उसको हम कंपेयर करेंगे हर एक जो केस है उसकी वैल्यू से। जिस भी केस की वैल्यू से वो मैच होता है उसका रिजल्ट, वही जो संबंधित उसका ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर जो ब्रेक और डिफ़ॉल्ट है ये दोनों क्या है, ऑप्शनल है, ये यूज करना ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, लेकिन हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से इनको यूज करेंगे। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है,
एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम क्या है, डे। ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, इसकी वैल्यू है 4। तो यहाँ स्विच है, स्विच के अंदर डे आ गया, मतलब स्विच के अंदर वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब हम चलेंगे केस वन, तो केस वन वैल्यू कितनी है, 1। तो मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर नीचे चलेंगे केस टू, टू भी मैच नहीं हो रहा, 3 भी नहीं हो रहा, 4 वैल्यू थी, तो केस 4 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, थ्रस्ट इन। तो फिर हम ब्रेक कर देंगे। फिर आगे 5 है, 6 है, उनको चेक नहीं करेगा क्योंकि हमने क्या ब्रेक कर दिया है। आगे हम डिटेल में देखेंगे ब्रेक और डिफॉल्ट क्या है, ठीक है। अब देखिए ब्रेक क्या करता है, C++ के अंदर जैसे हम ब्रेक स्टेटमेंट पर पहुंचते हैं, ब्रेक एग्जीक्यूट होता है, तो जो स्विच का जो ब्लॉक है, पूरा स्विच वाला जो ब्लॉक है हमारा, उससे कंट्रोल बाहर निकल जाता है, क्योंकि अब हमें क्या है, हमारा टारगेट मिल गया है जो केस था, और कोड का जो ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट करा दिया, हमारा काम हो गया। अब हमें स्विच से बाहर निकलना है, हमें दूसरी कंडीशंस है, दूसरे केस है, उनको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करेगा, जो स्विच के अंदर चल रहा था ना उसको स्टॉप कर देगा, और आगे जो केस हैं बचे हुए हैं उनको चेक करने की ज़रूरत हमें नहीं है, हम स्विच से बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे ही हमारा क्या होता है कि कोई मैच होता है केस, और हमारा काम हो जाता है, काम क्या है, जो ब्लॉक है स्टेटमेंट्स का उसको एग्जीक्यूट करना, तो हम ब्रेक कर देते हैं और स्विच से बाहर निकल जाते हैं, हमें आगे टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रेक का फ़ायदा क्या हो रहा है, एडवांटेज क्या हो रहा है, ब्रेक क्या करता है, हमारा टाइम बचाता है। भाई हमारे पास डे 4 था और थर्सडे वहाँ मैच हो गया, तो हम आगे फ्राइडे सैटरडे संडे उनके लिए क्यों चेक कर रहे हैं, अगर ब्रेक यूज़ नहीं करते तो वो क्या करता, नीचे तक जाता, वहाँ तक पूरा चेक करता, तो एग्जीक्यूशन का टाइम वो बचाता है ब्रेक, क्योंकि ये क्या करता है, जो रेस्ट ऑफ कोड है, जो नीचे का कोड बच गया उसको इग्नोर कर देता है और बाहर निकल जाता है। अब डिफ़ॉल्ट कीवर्ड क्या करता है, डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, मान लो यहाँ पर डे 4 था, वो तो मैच हो गया, पर हमने डे 1 से लेके 7 तक किया है, और हमने डे में वैल्यू डाल दी शुरू में 8 डाल दिया, तो 1 से लेके 7 तक कहीं मैच नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, तो हम नीचे डिफ़ॉल्ट लिखेंगे। स्विच के बाद में अब हम देखते हैं लूप, C++ में लूप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लूप होता क्या है। देखिए लूप का मतलब क्या होता है कि जब गोल गोल हम घूमते रहते हैं, जैसे इस तरह से मान लो, ठीक है, ये लूप हो गया, या फिर हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि गोल गोल घूमते रहेंगे इसके अंदर। अब ये तो क्या है, बिल्कुल इनफाइनाइट लूप हो रहा है। एक लूप ऐसा हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे करके ऐसे यहाँ निकल जाएगा बाहर, यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो लूप का मतलब ये होता है, लूप क्या काम में आता है, एक लूप है वो हमें स्टेटमेंट्स या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है उसको बार बार एग्जीक्यूट कराने के काम में आता है। जब भी हमें कोई काम है वो एक से ज़्यादा बार करवाना है, तो अगर बिना लूप की हेल्प के हम प्रोग्रामिंग में करेंगे तो हमें उस कोड को बार बार लिखना पड़ेगा। बार बार लिखने से क्या होगा कि एक तो प्रोग्रामर है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर प्रोग्रामर ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो उसको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी उससे। फिर जब कंप्यूटर के ऊपर इतना कोड लिख दिया तो वो कोड की साइज़ भी ज़्यादा हो गई, तो कंपाइलर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, प्रोसेसर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, तो वहाँ पर भी अगेन हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा उसके अंदर,
रैम के अंदर भी ज़्यादा स्पेस लगेगी, तो हर तरीके से वो कॉस्टली पड़ेगा। तो उसको सस्ता करना, उसको आसान करने का तरीका यह है कि लूप बना देंगे। लूप में क्या होगा कि वो लूप है, उस कोड को बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा, उसको कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोड को एक बार लिखेंगे हम। अब लूप है वो इस तरीके से कुछ काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्टार्ट करते हैं, तो जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पर कंडीशन चेक होती है, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स है तब तो क्या होगा, यहाँ लूप से बाहर निकल जाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तब जब हमें कोड एग्जीक्यूट करवाना है उस कोड को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। फिर कोड को एग्जीक्यूट होने के बाद में वापस इसके अंदर कंडीशन चेक होने के लिए जाएगा। तो कंडीशन चेक होने से पहले यहाँ पर हम नॉर्मली इंक्रीमेंट करते हैं या फिर डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, ये हम करेंगे। अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर तो वो इन्फाइनाइट लूप हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन वही बनी रहेगी, तो हर बार वैल्यू तो कुछ ना कुछ चेंज होगी, और अगर इन्फाइनाइट लूप है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये इस तरह से कुछ लूप काम करता है। तो यहाँ पर भी देखिए ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये घूम रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर हर बार कंडीशन ट्रू रहेगी तब तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। इस तरह से लूप काम करता है। अब लूप्स है वो हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है वाइल लूप। वाइल में क्या होता है, जो स्टेटमेंट्स है या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है वो बार बार रिपीट होंगे अगर वाइल के अंदर जो कंडीशन दे रखी है वो ट्रू होगी। तो इसमें क्या होगा, वाइल सबसे ऊपर रहेगा और फिर उसके नीचे सारा कोड रहेगा। तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद में कंडीशन ट्रू है तभी वो कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर कोड एग्जीक्यूट होने के बाद में जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमें करना है उसके बाद में वापस कंडीशन चेक करेंगे। एक होता है फॉर लूप, इसके अंदर भी सेम वही वाइल वाला प्रोसेस है, पर वाइल के अंदर क्या होता है कि कंडीशन चेक करने का कोड अलग लिख रहे हैं, इंक्रीमेंट का अलग लिख रहे हैं, इनिशियलाइज अलग जगह कर रहे हैं। लेकिन फॉर लूप के अंदर क्या होता है, फॉर लूप में एक जगह ही सारा काम हो जाता है। कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन सेमी कोलन, यहाँ पर कंडीशन सेमी कोलन, और यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो एक स्टेटमेंट के अंदर ही तीनों काम हो जाएंगे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक करना और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फिर आता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में देखिए, अब डू वाइल और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। वाइल में हमने क्या देखा, सबसे पहले टॉप पर क्या रहता है, कंडीशन चेक करना। अगर कंडीशन ट्रू है तभी हम लूप के अंदर एंट्री करेंगे, अगर शुरू में कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लूप में जाएंगे नहीं। इसका मतलब कंडीशन फॉल्स है तो लूप के अंदर गए नहीं, जीरो बार एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन डू वाइल में क्या होता है कि वाइल जो आता है जिसमें कंडीशन चेक होती है वो सबसे नीचे होता है, वो डू के अंदर पूरा ब्लॉक जो एग्जीक्यूट कराना है वो ऊपर होता है। तो अगर कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो गई तो भी क्या होगा, कंडीशन तो सबसे लास्ट में जाके चेक कर रहे हैं, पहले तो हमने काम कर दिया तो एक बार तो वो कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो वाइल और डू वाइल में डिफरेंस है कि डू वाइल के अंदर काम पहले कर देंगे, कंडीशन बाद में चेक करेंगे। फिर नेस्टेड लूप भी आता है। नेस्टेड का मतलब होता है नेस्ट, घोंसला। तो इसमें घोंसले की तरह क्या होता है, एक के अंदर एक दूसरे लूप फंसे हुए होते हैं, लूप के अंदर लूप चलता है, तो वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम नेस्टेड लूप्स भी हम काम में लेते हैं। और इसके अंदर फोर के अंदर फोर लूप भी हो सकता है, फोर के अंदर वाइल लूप भी हो सकता है, वाइल के अंदर फोर लूप भी हो सकता है। और सिंपल जो लूप होता है उसमें क्या, जैसे एरे बनाते हैं तो उसके लिए काम में आ सकता है, वन डायमेंशन के लिए। अगर हमें मैट्रिक्स बनानी है, टेबल बनानी है, तो उसमें क्या होगा, 2D लूप आए, 2D आएगा, तो दो लूप आ जाएंगे, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। अगर 3D करना है तो फिर एक के अंदर दूसरे के अंदर तीसरा, तीन लूप हो जाएंगे नेस्टेड।
अब लूप्स के साथ में हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी होते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट तो हमने स्विच में भी देखा है, ये क्या करता है, टर्मिनेट करता है। अगर आपने लूप के अंदर लगा दी तो लूप को टर्मिनेट कर देगा, स्विच के अंदर लगाया तो स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देगा। और एग्जीक्यूशन है वो कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, इमीडिएटली उसके नीचे जो कोड लिखा हुआ है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। अब ब्रेक होता है वैसे ये कंटिन्यू भी होता है। अब इनमें देखिए मेन डिफरेंस देखिए, ब्रेक क्या करता है, लूप से बाहर निकल जाता है, स्विच से बाहर निकल जाता है, ठीक है, लूप से बाहर ही निकल गया बिल्कुल। कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू के नीचे जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, नीचे वाले सारे स्टेटमेंट्स नहीं, जिस ब्लॉक के अंदर कंटिन्यू लिखा है, अगर आपने फॉर लूप के अंदर लिखा है तो उस लूप के अंदर वाले जो स्टेटमेंट्स हैं जो कंटिन्यू के नीचे लिखे हैं उनको हम स्कीप कर देंगे, उनको छोड़ देंगे और वापस कहाँ चले जाएंगे, कंडीशन चेक करने के लिए। यहाँ लूप से बाहर नहीं निकल रहे कंटिन्यू में, हम हैं तो लूप के अंदर ही, लेकिन कंटिन्यू के नीचे वाले स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने स्कीप कर दिया है। तो ये मेन डिफरेंस है, ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। फिर गो टू स्टेटमेंट भी आता है। गो टू में क्या करते हैं, हम एक लेबल रहता है तो एक जगह से दूसरी जगह जंप करने के लिए। वैसे नॉर्मली प्रोग्रामिंग के अंदर हम बहुत ही कम या फिर इसको नहीं काम में लेना ही प्रीफर करते हैं, गो टू स्टेटमेंट हम कभी काम में लेते नहीं हैं। इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप में जैसे मैंने बताया, अगर कंडीशन हमेशा ट्रू हो रही है, फॉल्स कभी हो ही नहीं रही, तो हम क्या लूप के अंदर ही घूमते रहेंगे, वो इनफाइनाइट लूप हो जाता है। तो आप ये प्रोग्रामिंग में करके देख सकते हो, कंडीशन है उसको हमेशा ट्रू रखेंगे तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा।